तो हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे नॉन अलाइमेंट मोमेंट यानी गुड निरपेक्ष आंदोलन इसमें जो हम मेनली डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेम अबाउट नेम हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑब्जेक्टिव्स फंडामेंटल प्रिंसिपल मेन ऑर्गन्स सबमिट्स ऑफ नेम 1961 टू 2019 नॉन अलाइनमेंट मोवमेंट अचीवमेंट्स एंड लास्ट नॉन अलाइमेंट मोमेंट फेलियर्स व्हाट इज नेम द NAM stands for non-alignment movement, was established by the newly independent states who came from the colonial system after the prolonged struggle. During the early days of the movement, its actions were a key factor in the decolonization process, which later led to the attainment of the freedom and independence by many countries and people, and also led to the फंक्शन ऑफ टेंस न्यू सॉरन स्टेट नेम का अर्थ है गुटनिरपेक्ष आंदोलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के हितों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये एक संप्रभु राज्य की अंतर्राष्ट्रीय नीति है जिसके अनुसार यह किसी भी महाशक्ति के साथ खुद को सम्मिलित नहीं करता और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है नेक्स्ट है अबाउट नेम एस्टेब्लिशमेंट इसका गठन अप्रैल 1961 को आता अगर मेंबर स्टेट की बात करें वर्तमान में 120 इसके मेंबर स्टेट है अगर हम ऑब्जर्वर स्टेट की बात करें प्रवेशक राज्य की बात करें तो वर्तमान में सतारह राज्य है जिसमें अर्जेंटीना आर्मेनिया ब्रसोनिया हाइजेगोविना ब्राजील चीन कोस्टारिका क्रोशिया अल्सलाडोर कजाकिस्तान किर्गिस्तान मेक्सिको, मॉर्टेन नेग्रो पेरागवे सर्बिया तजाकिस्तान यूक्रेन और उर्गवे है प्रवेशक संगठन इसमें जो ऑब्जर्वर जो एसोसिएशन है वो कौन कौन से है अफ्रीका संघ एफ्रो आशियन पीपल्स सोलिडेटरी ऑर्गेनाइजेशन कॉमनवेल्थ सेक्ट्रेट, होस्टोसियन नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट कनक सोशलिस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट लीग ऑफ अरब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कापरेशन साउथ सेंटर यूनाइटेड नेशन कॉमनवेल्थ सेक्रेट, राष्ट्र विश्व शांति परिषद इसके ऑर्गेनाइजेशन है अगर हम वर्किंग लैंग्वेज की बात करें इसका जो वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है इसके जो चेयरमैन है चेयरमैन इलाम अलीवेब है मुख्यालय इसका मध्य जकार्ता इंडोनेशिया में है इसके जो संस्थापक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जोसेफ ब्रस्टिटो सुकार्नो और नासिर हैं सभी सदस्य राज्यों में कुल 54.53 मिलियन वर्ग किलोमीटर और लगभग 4.31 बिलियन लोग शामिल हैं। ये दुनिया भर में रहने वाले योग्य क्षेत्र का 36.2 परसेंट और दुनिया की आबादी का 57 परसेंट है संयुक्त राष्ट्र के बाद नेम वैश्विक स्तर पर राज्यों का सबसे बड़ा समूह है हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ नैम जिते विश्वयुद्ध में फांसीवाद के हार के बाद 1950 के दशक के मध्य तक घटी घटनाओं के कारण चिंता बढ़ती जा रही थी शीत युद्ध के कारण विश्व का अधिकाधिक सैन्यकरण हो रहा था और विश्व दो विरोधी खेमों में बढ़ता जा रहा था एक का नेतृत्व तो अमेरिका और दूसरा का नेतृत्व तो सोवियत संघ कर रहा था विनाशकारी परिणामों वाली युद्ध की संभावना चारों ओर नजर आ रही थी गरीबी असमानता उपनिषवाद जैसी मानवता के लिए चिंताजनक विषयों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था उस वक्त दुनिया के कई मुल्क आज़ाद हुए थे और अपने विकास और दूसरे देशों के साथ संबंधों के लिए नीतियां तैयार कर रहे थे इन देशों ने फैसला किया कि वे किसी एक गुट में शामिल होकर दूसरे गुट के खिलाफ खड़े होने के बजाय गुट निरपेक्ष रहेंगे ताकि उनके रिश्ते किसी से खराब ना हो अधिकांश राष्ट्रों के नेताओं ने महसूस किया कि यह स्थिति बदलना चाहिए भारत से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, नेहरूस्लोवाकिया युगोस, से जोसेफ ब्रस्टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने तथा महाशक्ति तथा साम्राज्यवादी राज्य के विरुद्ध सामूहिक मोर्चा बनाने का प्रयास किया इन नेताओं ने विश्व का ध्यान केंद्रित करने के लिए एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में 29 अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्रों के नेताओं का सम्मेलन हुआ सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने उपनिवेशवाद की निंदा की और तीसरी दुनिया के देशों में आर्थिक विकास की आवश्यकता पर जोर दिया सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आधार पर विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दस सूत्रीय घोषणाओं को, को अपनाया सम्मेलन ने नए स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच का मार्ग प्रशस्त किया जो बाद में गुट निरपेक्षता आंदोलन में बदल गया इसके बाद 5 से 12 जून उन्नीस को मिस्र के कहिरा में प्रथम नयम शिखर सम्मेलन के लिए एक तैयारी बैठक आयोजित की गई इस बैठक में प्रतिभागियों ने गुट निरपेक्षता नीति के लक्ष्यों पर चर्चा की जो सदस्यता के मापदंड के रूप में सामने आए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन सितंबर उन्नीस में ब्रेलग्रेट में हुआ इस सम्मेलन में एशियाई तथा अफ्रीका देशों से 25 और लेटिन अमेरिका से तीन देशों ने प्रवेशक के तौर पर भाग लिया इस सम्मेलन में विश्व शांति के लिए साम्राज्यवाद का खतरा रंगभेद की निंदा निशस्त्रीकरण और उपनिवेशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया इसके अतिरिक्त बर्लिन की स्थिति कांगो संकट राष्ट्र में चीन का प्रतिनिधित्व और चर्चा किया गया। शिखर सम्मेलन में स्थाई सूत्रीय घोषणा को अपनाई गई नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेम फर्स्ट है उन कारणों को समाप्त करना है जो युद्ध का कारण बन सकते हैं सेकंड है एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों को औपनिवेशिक वर्चस्व उभरती से स्वतंत्रता की रक्षा करना है थर्ड है मानवाधिकारों और पर्यावरण की रक्षा करना फोर्थ है सभी राज्यों की समानता की वकालत करना फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को शांतिपूर्वक समाधान की वकालत करना सिक्स है उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद और नस्लीय भेदभाव का विरोध करना लास्ट है देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ नेम संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून के चार्टर में नित सिद्धांतों का सम्मान करना सेकंड है सभी राज्यों की संप्रभुता संप्रभु समानता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना थर्ड है सभी जातियों धर्म सांस्कृतियों और सभी देशों की समानता की मान्यता देना फोर्थ है धर्मों उनके प्रतीकों और मूल्यों के सम्मान सहिष्णुता और विश्वास की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के आधार पर लोगों सभ्यताओं संस्कृतियों और धर्मों के बीच एक संवाद को बढ़ावा देना शांति और विकास के लिए लोगों के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन सहित सभी मानव अधिकारों और सभी के लिए मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान और संवर्धन करना सिक्स है किसी भी अन्य राज्य से किसी भी तरह के हस्तक्षेप के बिना अपनी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रणालियों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने के लिए प्रत्येक राज्य के अपर्याप्त अधिकार सहित राज्यों के अधिकार की समानता का सम्मान करना सातवा है विदेशी व्यवसाय और उपनिवेशिक या विदेशी प्रभुत्व के तहत लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के विषय में आंदोलन के राशि पदों की वैधता और प्रासंगिकता की पुष्टि करना नेक्स्ट है राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप किसी भी राज्य या राज्य के समूह को किसी भी अन्य राज्य के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी जो भी मकसद हो हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है नाइन्थ है संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नरसंहार युद्ध अपराधों मानवता के खिलाफ अपराधों और मानवाधिकारों के व्यवस्थित और सकल उल्लंघन की निंदा करना लास्ट है आपसी हिदों और सहयोग का प्रचार करना नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ नेम फर्स्ट है प्रधानंग नेम का औपचारिक संविधान या स्थायी सचिवालय नहीं है इसका प्रशासन गैर श्रेणीबल और रोटेशन वाइज है निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं जिसमें प्राप्त समझौते की आवश्यकता होती है लेकिन एकमत नहीं नेक्स्ट है चेयर प्रत्येक शिखर सम्मेलन में राज्य का नया प्रमुख औपचारिक रूप से अध्यक्ष बन जाता है और अगले शिखर सम्मेलन तक उस स्थिति को मान लेता है चेयर नेम के सिद्धांतों और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है और चेयर के राज्य के न्यूयॉर्क में विदेश मंत्रालय और स्थायी मिशन प्रशासनिक जिम्मेदारी मानता है कार्य समूह संपर्क समूह कार्यबल और समितियाँ ये समूह जितनी बार भी आवश्यक हो मिलते हैं वर्तमान में वे शामिल है जो संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन के लिए नियम स्तरीय कार्य समूह अधिकार पर नियम वर्किंग ग्रुप नैम वर्किंग ग्रुप की ऑन पीस कीपिंग ऑपरेशंस कार्यप्रणाली पर मंत्रिस्तरीय समिति कार्यप्रणाली पर समन्वय भी रोका नेम वर्किंग ग्रुप निशस्त्रीकरण पर नैम कार्य समूह फिलिस्तीन के समि, समिति साइप्रस पर संपर्क समूह सुमोलिया पर टास्क फोर्स बोस्लोनिया और हाइजेंगोविना पर टास्क फोर्स गुटनिरपेक्ष सुरक्षा परिषद काकस आर्थिक सोयोग के लिए कई कार्यकारी कार्यवाही कार्यक्रम के समन्वय देश और आर्थिक सहयोग के लिए स्थायी मंत्री समिति है समन्वय वीरो संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में स्थित ये राजदूत स्तरीय निकाय कार्य समूह संपर्क समूह कार्य बलों और समितियों के बीच गतिविधियों की समीक्षा और सुविधा प्रदान करता है ये भी नए राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को मजबूत करने का कार्य करता है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में चेयर का स्थायी प्रतिनिधि सीओबी की चेयर के रूप में करता है नेक्स्ट है ट्रोइका उन्नीस सौ में निर्मित इस निकाय में अतीत सेवार और भविष्य के अध्यक्ष शामिल होते हैं और ये अवलंबी कुर्सी के यानी चेयर के विवेक पर काम करते हैं गुट निरपेक्ष सुरक्षा परिषद कोकस कोकस में नयम देशों के सदस्य होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र परिषद में रोटेशन करने वाले सदस्यों के रूप में चुना जाता है ये राज्य एकीकृत पदों को अपनाना चाहते हैं और नए शिखर सम्मेलन और मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में अपनाए गए निर्णय और पदों को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट है संयुक्त समन्वय समिति नेम और 77 सदस्यों के समूह की एक समिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विकासशील देशों के हित के समन्वय और संवर्धन के लिए नियमित रूप से न्यूयॉर्क में मिलते हैं इसकी स्थापना उन्नीस में, में हुई थी विभिन्न नियम निकायों द्वारा नियमित रूप से बुलाई गई बैठकों में शामिल है शिखर सम्मेलन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा के नियमित सत्र के दौरान न्यूयॉर्क में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक है असाधारण मंत्री स्तरीय बैठकें, समन्वय ब्यूरो की मंत्रिस्तरीय बैठक कार्यप्रणाली पर मंत्रिस्तरीय समिति की बैठकें आर्थिक सहयोग पर स्थायी मंत्री समिति की बैठक है और अंतर्राष्ट्रीय के विभिन्न क्षेत्रों में मंत्रिस्तरीय बैठक है राज्यों या सरकार के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन जो कि एक राजनीतिक मुद्दों की समिति और एक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की समिति से बना है नियम सरोज निर्णय लेने वाला निकाय है और आमतौर पर हर तीसरे साल आयोजित होता है शिखर सम्मेलन वरिष्ठ अधिकारों और मंत्री स्तरीय बैठकों से पहले होता है जो तैयारियां कार्यों को पूरा करता है नेक्स्ट है समिट्स ऑफ नेम गुट निरपेक्ष देशों के राष्ट्र या या अध्यक्षों के सम्मेलन जिन्हें अक्सर गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है आंदोलन के भीतर मुख्य बैठक है और हर तीन वर्षों में आयोजित की जाती है अब तक अठारह शिखर सम्मेलन हो चुके हैं तो अब हम डिस्कस करते हैं अब तक हुए शिखर सम्मेलनों के बारे में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन सितंबर उन्नीस में बेलग्रेड में हुआ इस सम्मेलन में एशियाई तथा अफ्रीका देशों से 25 और लेटिन अमेरिका से तीन देशों ने प्रवेशक के तौर पर भाग लिया इस सम्मेलन में विश्व शांति के लिए साम्राज्यवाद का खतरा रंगभेद की निंदा निशस्त्रीकरण और उपनिवेशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया इसके अतिरिक्त बर्लिन की स्थिति कांगो संकट संयुक्त राष्ट्र में चीन का प्रतिनिधित्व चर्चा किया गया शिखर सम्मेलन में स्थायी श्री सूत्रीय घोषणा अपनाई गई गुटनिरपेक्ष का राष्ट्रों का दूसरा शिखर सम्मेलन पाँच से छः अक्टूबर उन्नीस को कहिरा यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ इस सम्मेलन में फोर्टी देशों तथा ग्यारह प्रवेशकों ने भाग लिया इस सम्मेलन में भारत पाक युद्ध और अरब इसराइल विवाद मुद्दे उठाए गए शांति तथा घोषणा पत्र जारी किया साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद तथा नव उपनिवेशवाद की समाप्ति और स्वतंत्रता समानता और न्याय की अवधारणा का समर्थन किया गया गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का शिखर सम्मेलन आठ से दस सितंबर 1970 को लुआस्का जुमानिया में हुआ इस सम्मेलन में फिफ्टी फोर देशों ने भाग लिया इस सम्मेलन का शीर्षक था गुटनिरपेक्ष तथा आर्थिक विकास था सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय तनाव में कमी का स्वागत किया गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल से राजनयिक संबंध तोड़ने का निश्चय किया क्योंकि ये देश संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के विरुद्ध उपनिवेशवाद तथा प्रजातिवाद समाप्त नहीं कर रहे थे नेम का चौथा शिखर सम्मेलन पाँच से नौ सितंबर उन्नीस को अल्जीरियस अल्जीरिया में हुआ इस सम्मेलन में 76 देशों ने तथा 9 प्रवेशक राष्ट्रों ने भाग लिया इस सम्मेलन में अनेक आर्थिक तथा राजनीतिक प्रस्ताव स्वीकार किए गए नए राष्ट्रों ने आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा आर्थिक शोषण के खिलाफ समाप्ति और प्रत्येक देश को अप, अपनी प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करने का समर्थन किया नैम का पाँचवा शिखर सम्मेलन 16 से 19 अगस्त 1976 को कोलंबो श्रीलंका में हुआ इस सम्मेलन में 86 देशों ने भाग लिया ये पहला सम्मेलन था जो एशियाई महाद्वीप में आयोजित किया गया था इस सम्मेलन में नए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी न्यू इकोनॉमिकल ऑर्डर का गठन कर करने तथा सामूहिक आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का प्रतिपादन और देशों के आर्थिक अधिकारों का समर्थन किया संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थाई सदस्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले निषेधिकार यानी बिटो पावर समाप्त करने की मांग उठाई गई गूट आंदोलन का छठवा शिखर सम्मेलन तीन से नौ सितंबर उन्नीस को हवाना क्यूबा में हुआ इस सम्मेलन में 94 देशों ने भाग लिया इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत करने सैनिक संधियों द्वारा स्थापित सैनिक अड्डों की समाप्ति करने हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने की घोष गोश, घोषणा पत्र जारी किया क्यूबा वियतनाम ने मांग की कि समाजवादी गुट से संबंध बनाना चाहिए क्योंकि समाजवादी देश हमेशा ही साम्राज्यवाद और उपनिषवाद के विश्व देशों का साथ देते हैं इस सम्मेलन में पहली बार विरोध के सवर भी उठे अरब देशों ने मिस्र को इसराइल के साथ कैंप डेविड समझौता करने के विरुद्ध उसे निष्कासित करने की मांग की इस सम्मेलन में पाकिस्तान ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता ली तथा दूसरी ओर म्यांमार ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन से अपना नाम वापस ले लिया गुटनिरपेक्षता का सातवा सम्मेलन सात से बारह मार्च उन्नीस को दिल्ली में हुआ इस सम्मेलन में 101 देशों ने भाग लिया इस सम्मेलन में हथियार की होड़ रोकने गुटनिरपेक्ष गुट राष्ट्रों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता दक्षिण दक्षिण संवाद पर ध्यान दिया गया इसके अतिरिक्त ईरान इराक युद्ध का शीघ्र अंत नाम की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप पर निर्णय करने में असफल रहे नैम का अटवाशी का सम्मेलन एक से छः दिसंबर उन्नीस को हरारे जिम्बाबे में हुआ इस सम्मेलन में 101 एक देशों ने भाग लिया इस सम्मेलन में हरारे घोषणा पत्र जारी किया गया जिसके अंतर्गत नैम राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा उत्तर दक्षिणी सहयोग को आगे बढ़ाना भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में अफ्रीका के अग्रिम पंक्ति के देशों को पिरोटिया सरकार के विरुद्ध सहायता देने के लिए अफ्रीका कोष की स्थापना की सम्मेलन में इस कोष का नाम दक्षिण अफ्रीकाई एकता कोष रखा गया गुड निरपेक्ष आंदोलन का नवा शिखर सम्मेलन 4 से 7 सितंबर उन्नीस को बेलग्रेड में हुआ इस सम्मेलन में 102 देशों ने भाग लिया इस सम्मेलन में नमामिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने दक्षिण अफ्रीका पर प्रतिबंध लगाने की मांग पुनः दोहराई गई अफगानिस्तान संकट सुलझाने की मांग की गई अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद अवैध व्यापार तस्करी तथा नशीले दवाइयों को रोकने पर पूर्ण तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई का दसवा शिखर सम्मेलन एक से छ सितंबर उन्नीस को जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ इस सम्मेलन में 108 देशों ने भाग लिया यह सम्मेलन शीत युद्ध के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन था इस सम्मेलन में दक्षिण दक्षिण संवाद को सशक्त बनाने तथा उत्तर देशों पर निर्भरता कम करने नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रजातांत्रिक बनाने की मांग की गई नेम का गैरवा शिखर सम्मेलन कोरजेना डी इंडियाज कोलंबिया में 18 से 20 अक्टूबर उन्नीस को तो हुआ इस सम्मेलन में देशों ने भाग लिया इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया सम्मेलन में दक्षिण दक्षिण संवाद को सशक्त बनाने विश्व बैंक विश्व मुद्रा कोष द्वारा विकासशील देशों के शोषण तथा इसमें सुधार करने की मांग किया गया सार्वभौमिक तथा पूर्ण निशस्त्रकरण की एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने की मांग राष्ट्रों ने समर्थन किया गुरनिरपेक्ष आंदोलन का बारवां शिखर सम्मेलन दो से तीन सितंबर उन्नीस को डर्बन यानी दक्षिण अफ्रीका में हुआ इस सम्मेलन में एक देशों ने भाग लिया इस सम्मेलन में परमाणु हथियारों का उन्मूलन आतंकवाद का विरोध तथा विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व व्यापार संगठन में सुधार की मांग की पाकिस्तान ने कश्मीर समस्या का मामला इस सम्मेलन में उठाया तुर्की में स्तान को औपचारिक तौर पर नियम की सदस्यता प्रदान की गई नैम का तेरहवा शिखर सम्मेलन 20 से 25 फरवरी दो को कोलमपुर मलेशिया में हुआ इस सम्मेलन में 116 सो देशों ने भाग लिया इस सम्मेलन में नौ सौ नीति की घोषणा की गई इसमें सदस्य देशों की आपसी बढ़ावा देने अंतर्राष्ट्रीय तृतीय देशों की भागीदारी बढ़ाने बहुपक्षीय संबंधों सम्... को बढ़ावा देने सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बेहतर साझा राज रणनीति तय करना पाकिस्तान ने पुणे कश्मीर मुद्दे को सम्मेलन में उछाला तथा भारत के प्रधानमंत्री ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान के प्रयास को असफल कर दिया नेम का चौदहवा शिखर सम्मेलन 2006 को हवाना क्यूबा में हुआ इस सम्मेलन में एक देशों ने भाग लिया इस सम्मेलन में आतंकवाद की आलोचना और इसके विरुद्ध लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाना सुरक्षा परिषद को लोकतांत्रिक बनाना तथा उत्तर दक्षिणी संवाद को सशक्त वार्तालाप के संबंध में विकासशील देशों को अपने हित की अधिक सुरक्षा करने के लिए अधिक वकालत की के गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पंद्रहवा शिखर सम्मेलन ग्यारह से सोलह जुलाई दो को श्रम अल शेख यानी मिस्र में हुआ इस सम्मेलन में एक देशों ने भाग लिया इस सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद मुद्दा पुनः दोहराया और इससे वैश्विक समस्या बताया इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद के सदस्यों का विस्तार करने दो सम्मेलन में भागीदारी जलवायु परिवर्तन तथा खाद्य सुरक्षा पर बल दिया गया गुटनिरपेक्षता का 16 शिखर सम्मेलन 26 से इकतीस अगस्त 2012 को तेहरान ईरान में हुआ इस सम्मेलन में 120 राष्ट्रों ने भाग लिया अमेरिका इसराइल के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान के मून ने उपस्थिति दर्ज कराई क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक पावन लगाई थी ईरान को लगा कि गुट राष्ट्र ईरान के प्रति पश्चिमी राष्ट्र का कड़ा रुख अपनाएंगे परंतु ऐसा ना हो सका इस सम्मेलन में आतंकवाद परमाणु अस्त्र पर्यावरण तथा संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग की पेशकश की गई गूट आंदोलन का सतारावा शिखर सम्मेलन सतारह से अठारह सितंबर 2016 को व्यन्जुला के मार्गिरिता द्वीप के और लामर शहर में संपन्न हुआ यह शिखर सम्मेलन में ही मूल दो हजार में प्रस्तावित था किंतु इसे उस समय एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया गया वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु तो एजेंडा 2030 की प्राप्ति के लिए मिलकर सामना करने व दक्षिण दक्षिण सेव यानी साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देने पर बल दिया सम्मेलन में आतंकवाद की आलोचना करते हुए अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया इस सम्मेलन का थीम था पीस सॉवर्निटी एंड सॉलिडिटी फॉर डेवलपमेंट था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अठारह शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुआ शिखर सम्मेलन में बाकू घोषणा पत्र पारित किया गया जिसमें संगठन की जीवन शक्ति और कार्यक्षमता उन्नत करने बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय शांति और विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया बाकू घोषणा पत्र वर्तमान शिखर सम्मेलन में मिली मुख्य उपलब्धि है इसमें कहा गया कि विभिन्न सदस्य देश लगातार गुटनिरपेक्ष निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत पर कायम रहेंगे वर्तमान दुनिया में भू नई राजनीतिक यानी जियो की वास्तविकता का अनुकूलन करने का प्रयास करेंगे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जीवन शक्ति मजबूत करेंगे विभिन्न सदस्य देशों ने एकजुट होकर विकासशील देशों के हित की रक्षा करने का संकल्प लिया ताकि निष्पक्ष सहिष्णुतापूर्ण पारदर्शक और कारगर विश्व शासन व्यवस्था का निर्माण हो सके घोषणा पत्र में कहा गया कि विभिन्न सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ से केंद्रित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं विभिन्न देश की प्रादेशिक अखंडता प्रभुता की समानता का समर्थन करेंगे और अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते विभिन्न सदस्य देश सभी तरह के आतंकवाद के विरोध में समान कोशिश करेंगे अचीवमेंट ऑफ नेम उन्नीस से अब तक 18 बार गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन हो चुके हैं हर सम्मेलनों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा इससे सिद्ध होता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर राष्ट्रों का पूर्ण विश्वास है इसके गठन से अब तक इसके महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है जो कि इस प्रकार से हैं फर्स्ट है विश्व शांति की सुरक्षा गुणनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व में शांति स्थापना में अहम भूमिका निभाई है नेम ने शस्त्रों की होड़ सैनिक अड्डों की मनाही तथा नाभिकीय परीक्षण पर स्थायी रोक लगाने की मांग की थी सेकंड है इस आंदोलन ने शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों से अलग रहने तथा तनाव और संघर्ष की राजनीति में कमी लाने का प्रयास किया नेक्स्ट है साम्राज्यवाद उपनिषवाद रंगभेद का विरोध गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने हर मंच में साम्राज्यवाद उपनिषवाद तथा रंगभेद नीति का कड़ा विरोध किया है दक्षिण अफ्रीका नाइमीविया में रंगभेद नीति का अंत हुआ इस नियम के प्रयास है फोर्थ है युद्ध में कमी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने शीत युद्ध के दौरान शक्ति युद्ध की राजनीति से अलग रहकर एक तरफ निशस्त्रीकरण के प्रयास को बढ़ावा दिया तथा दूसरी तरफ शीत युद्ध में कमी लाने का प्रयास किया जिसमें उन्होंने वेतान्त की और विश्व को अग्रसर करने में अपनी भूमिका अदा की नेक्स्ट है स्वतंत्रता की रक्षा इस आंदोलन ने राष्ट्रों की समानता आत्मनिर्णय और विदेश नीति के स्वतंत्र रूप से निर्धारण के सिद्धांतों में तीसरी दुनिया के देशों को महाशक्तियों द्वारा स्थापित संगठनों से अलग रहने तथा महाशक्तियों का विरोध करने की हिम्मत और क्षमता प्रदान की इस तरह से इस आंदोलन के कारण गुटनिरपेक्ष राष्ट्र महाशक्तियों के दबाव से अपनी स्वतंत्रता कायम रख पाए नेक्स्ट है आर्थिक विकास गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आर्थिक विषमता के संबंध में विकसित देशों को कुछ सीमा तक विचारने के लिए वादे किया गया वादे किया गया कि तीसरे विश्व की हानि कभी उनकी समानता पर भी विपरीत प्रभाव डाल सकती है सीमा तक उनको वार्तालाप करने के लिए वादे किया निवेश आंदोलन ने विकसित देशों को ध्यान बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी एमएनसी द्वारा उत्पन्न किए गई समस्याओं तथा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार के लिए आह्वान किया गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों ने दोनों महाशक्तियों से अपने आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए बड़ी मात्रा में सहायता प्राप्त करने में सफल रहे नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिकल ऑर्डर गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने समानता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग सितंबर उन्नीस को अल्जीरिया शिखर सम्मेलन में पहली बार की थी औपचारिक तौर पर प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के छठवें विशेष अधिवेशन मई उन्नीस को पास किया तृतीय देशों को विदित हुआ कि उत्तर के विकसित देश वर्तमान व्यवस्था उनका शोषण करते रहे हैं उन्होंने पहली बार बलपूर्वक ऐसी अर्थव्यवस्था की मांग की जो समानता पर आधारित हो घूटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विकसित देशों के आर्थिक विषमता के प्रति विचार के लिए वादे भी किया उपरोध के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष राष्ट्र ने अपने कर्तव्य का सत्यनिष्ठा से निर्वाण किया है गुटनिरपेक्ष राष्ट्र ने ही अफ्रीका एशियाई और लेटिन अमेरिका के राष्ट्रों के लीडर्स को एक मंच पर लाया जिसके माध्यम से शीत युद्ध में कमी लाने में अपना अहम भूमिका निभाया साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद रंग भेद बे, का विरोध किया विश्व शांति की सुरक्षा के लिए वकालत की और न्यू इकोनॉमिकल ऑर्डर की पूर्वजोर जोर मांग की इनके बावजूद भी कुछ गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के आंदोलन की कुछ विफलता है ये जो हमें डिस्कस करेंगे सदस्य देशों के आपसी संघर्ष गुटनिरपेक्ष देशों के मध्य विरोधी विचारधारा के कारण तथा राष्ट्रीय हित में टकराव के कारण संघर्ष होते रहे हैं पाकिस्तान ने भारत को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया है शीत युद्ध के दौरान गुटों में टकराव के दौरान गुट निरपेक्ष के देशों में विचारधारा को लेकर विवाद उत्पन्न होते थे उन्नीस के बेलग्रेड के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में सदस्य देशों के मध्य विवादों को शांतिपूर्वक निपटाने पर विस्तार से विचार किया गया ईरान इराक युद्ध से नैम की एकता को आगाध पहुंचा और अक्सर देखा गया कि जो सदस्य राष्ट्रों के मध्य एकता का अभाव है समय समय पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों के मध्य एकता का अभाव देखने को मिला है शीत युद्ध के दौरान कोई ना कोई राष्ट्र किसी न किसी महाशक्ति के नियंत्रण में रहा है जब भी कोई घटना या युद्ध होता था तो उससे संबंधित देश उसकी आलोचना करने से पीछे नहीं हटते थे इन देशों ने विभिन्न चरणों में आंदोलन पर भी अपनी प्राव डालने का प्रयास किया है इससे आंदोलन की विश्वसनीयता में कमी हुई है विचारधाराओं में मतभेद गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों के मध्य विरोधी विचारधारा के कारण इसकी कार्यप्रणाली पर भी विशेष प्रभाव पड़ा है क्यूबा में हुए विशेष शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति फिदर कास्त्रो ने कहा कि हमें समाजवादी देशों के साथ संबंध बनाना चाहिए क्योंकि यह हमेशा साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है कई बार गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की साम्यवादी समर्थक कहा गया है कुछ गुटनिरपेक्ष राष्ट्र पश्चिमी देशों के समर्थक थे इनमें विचारधारात्मक विभिन्नताओं के कारण सही स्टेप उठाने में यह विफल रहे हैं अक्सर ये कहा गया, गया है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र को अवसरवादी की नीति कहा गया है गुट आंदोलन के सदस्य देशों पर विद्वान हमेशा अवसरवादी के आरोप लगाते हैं उनका मानना ये है कि यह नीति सिद्धांतहीन है तथा समयवादी और पूंजीवादी दोनों गुटों से अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करने के लिए अपनाई गई है शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष राज सदस्यों ने महाशक्तियों से आर्थिक तकनीकी तथा हथियार प्राप्त किए हैं तथा सैनिक अड्डा बनाने के लिए अपनी अनुमति भी दी है शीत युद्ध में अक्सर देखा गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने महाशक्तियों को सैनिक अड्डा बनाने का पूर्ण अनुमति दी थी उसके बाद ये नीति सदस्य देशों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता घूटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में ये आलोचकों का मानना है कि यह सदस्य राष्ट्रों को रक्षा प्रदान नहीं करता सिद्धांत के अनुसार ये आदर्शवादी तथा यानी आइडलिस्ट तथा बाहरी सैनिक सहायता से इसका उद्देश्य दुमिल हो गया हो जाएगा उन्नीस के चीन भारत युद्ध के समय यह सिद्ध हुआ कि यह मात्र आदर्शवाद और दिखावा है तथा किसी भी तरह का सुरक्षा प्रदान नहीं करता भारत को इस घटना से बहुत बड़ा आघात हुआ था दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ द दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज गॉड ब्लेस ऑल डियर फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें